टेंस एंड हंड्रेड्स क्लास फाइव मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर टेन पेज नंबर 143। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 143 से लेकर पेज नंबर 145 तक पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे और यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ओके, इसमें हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ की मनी के बारे में, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और उससे रिलेटेड इसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और दूसरे कंट्री के का जो नोट्स है या क्वाइंस है उसका वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, इसका एक चार्ट डिस्प्ले किया गया है, उस चार्ट को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ओके चिल्ड्रन, हैव यू सीन एनी नोट्स और क्वाइंस यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? या आपने किसी दूसरे देश के नोट और क्वाइंस को देखा है या उसका यूज़ किया है? फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, कोरिया, ओन, ओन का यह सिंबल है, ओन को डब्लू करके डबल क्रॉस करते हैं। ओके, श्रीलंका, रुपी, आरएस लिखते हैं, हम लोग इंडियन में भी रुपीज़ को आरएस लिखते हैं। जैसे रुपीज़ फाइव लिखना है तो हम लिखेंगे आरएस फाइव। ओके, नेपाल का हो गया रुपी, इसमें आर में क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पर आर में क्रॉस किया हुआ है, और ये दोनों तो सेम है, सिर्फ ये क्रॉस किया हुआ है, ये सिंबल है नेपाल के मनी का। हांगकांग, डॉलर, डॉलर एच के, तो डॉलर का ये सिंबल है और उसमें एच के लगा है। ओके, फिर आ जाएंगे साउथ अफ्रीका, रैंड, रैंड, रैंड है मनी साउथ अफ्रीका का, उसका सिंबल आर है। चाइना, चाइना का है युआन, इसका सिंबल ये है, वाई करके क्रॉस किया हुआ है। ओके, यूएई, इसका है धीरम, डी और डबल क्रॉस, धीरम। ओके, यूएसए, अमेरिका का है डॉलर, इसका सिंबल यह है। ओके, जर्मनी, जर्मनी का है यूरो, यूरो का सिंबल है। उसके बाद है इंग्लैंड, इंग्लैंड का है पाउंड, पाउंड का ये सिंबल है। तो ये कंट्रीज थे उनके मनी का हमने सिंबल दिखाया। अब हम जो भी इसका वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में, वो जो चार्ट डिस्प्ले किया गया है शिवम बैंक के द्वारा, वो है 2008 का रेट, उस रेट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तब वन बाई वन प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास फाइव चैप्टर टेन पेज नंबर 143, प्रैक्टिस टाइम, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यह है चैप्टर मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये डिफरेंट कंट्रीज के नेम है और ये मनी है और इसका वैल्यू इंडियन रुपीज़ में है और यह जो है रेट वो 2008 का रेट है और इसी रेट के अकॉर्डिंग हमें इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़? किस कंट्री का जो मनी है उसका कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है, यानी उसका वैल्यू इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है? तो इस चार्ट को जब हम देखेंगे तो यहाँ है 77.76, यह है इंग्लैंड का, कंट्री नेम इंग्लैंड, मनी पाउंड एंड वैल्यू 77.76 रुपीज़। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कॉपी पे लिखी हूँ और इसको यहाँ हम लोग आंसर करेंगे। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, तो यहाँ आएगा द मनी ऑफ इंग्लैंड, द मनी ऑफ विच कंट्री मीन्स इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट यानी सबसे अधिक इन इंडियन रुपीज़। यह आंसर हम लोगों ने यह चार्ट देकर किया है। क्वेश्चन नंबर टू, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर्स एज अ गिफ्ट। मिथुन यूज्ड 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? मिथुन के अंकल ने अमेरिका से उसे एक गिफ्ट दिया है, वो 10 यूएसए डॉलर है, गिफ्ट के रूप में उसे 10 यूएसए डॉलर्स दिया है और मिथुन ने 350 रुपीज़ यूज़ कर लिया है स्कूल ट्रिप के लिए, तो उसके पास कितने मनी लेफ्ट रहा, कितना मनी उसके पास बचा, शेष कितना रहा? तो यहाँ पर उसको गिफ्ट मिला है डॉलर्स में और उसने खर्च किया है रुपीज़ में, तो दोनों तो अपोजिट है, कोई सेम नहीं है इसका यूनिट, ये डॉलर है और ये रुपीज़ है, तो पहले इस दोनों का यूनिट सेम करना होगा। तो पहले हम यूएसए का जो डॉलर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, कि 10 यूएसए डॉलर का इंडियन रुपीज़ में क्या वैल्यू आएगा।
और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मनी कितना लेफ्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिथुन ने कितना रिसीव किया एज अ गिफ्ट, 10 USA डॉलर। और 1 USA डॉलर का क्या वैल्यू है, 1 USA डॉलर का क्या वैल्यू है चार्ट से, उसका वैल्यू है 39.70 USA डॉलर, 39.70 रुपीज़ है 1 डॉलर का। तो इसका है रुपीज़ 39.70। और उसने कितना रिसीव किया है मिथुन, रिसीव्ड मनी, कितना मनी रिसीव किया है, 10 USA डॉलर्स। ओके, अब 10 USA डॉलर्स का क्या वैल्यू हो जाएगा इंडियन रुपीस में, 10 USA डॉलर्स वैल्यू इन इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस में क्या वैल्यू हो जाएगा। तो 1 USA डॉलर का वैल्यू है इतना, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 × 39.70। ओके, तो यहाँ पर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, तो हो जाएगा रुपीज़ 3970। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो वहाँ पुट कर देंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 3397 रुपीज़। यानी 10 USA डॉलर्स का वैल्यू इंडियन रुपीज़ में इतने 397 रुपीज़ हो गया वैल्यू। और उसने कितना स्पेंड किया मिथुन, स्पेंट 3 पर कितना स्पेंड किया, स्पेंट मनी इसका कितना है, खर्च किया हुआ पैसा है 350 रुपीज़। ओके, रिसीव किया 390 और खर्च किया 350, तो मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने रुपए बच गए। तो क्या करेंगे, 397 में से हम माइनस कर देंगे 350 रुपीज़, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47 रुपीज़। तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, 47 रुपीज़ वॉज लेफ्ट विथ हिम, मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू 47 रुपीज़, यही इसका आंसर हुआ। पेज नंबर 144, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सी। मजीद्स फादर इज वर्किंग इन UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ही गेट्स 1000 दिरहम एज सैलरी। अरुण्स फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज़, हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी। मजीद के फादर UAE में काम करते हैं और उनकी सैलरी है 1000 दिरहम है, और अरुण के फादर श्रीलंका में काम करते हैं और उनका सैलरी है 2000 श्रीलंकन रुपीज़। तो आपको बताना है कि इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग, अगर इंडियन रुपीज़ में इनका सैलरी निकाला जाए तो किन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो इसके लिए हमें चार्ट यूज़ करना होगा। अगर इस तरह से इसको नंबर देखें, यहाँ 1000 है, यहाँ 2000, तो इस तरह से 2000 ग्रेटर है, लेकिन अलग अलग कंट्री का है ये सैलरी, तो इसको इंडियन रुपीज़ में निकालने के बाद ही हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसका सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, तो मजीद फादर का सैलरी कितना है, दिरहम। ओके, और 1 दिरहम का क्या वैल्यू है इंडियन वैल्यू, इंडियन रुपीज़ का क्या वैल्यू आएगा इंडियन रुपीज़ में, 1 दिरहम। हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट के अकॉर्डिंग है 10.80, 1 दिरहम का है, 1 दिरहम 10.80, और श्रीलंकन का है 0.37, तो इसे यूज़ करेंगे। तो 1 दिरहम का कॉस्ट हो गया रुपीज़ 10.80, तो 1000 दिरहम का वैल्यू इन इंडियन रुपीज़, 1000 दिरहम का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 30 है तो इसमें 30, अभी डेसिमल को नहीं कंसीडर करेंगे हम, इसमें 30 ऐड कर देंगे। अब डेसिमल पुट करना है तो 2 डिजिट के बाद 1212 के बाद हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे यहाँ। ओके, तो ये हो गया 10800.00।
हो गया, यानी पैसा जीरो है और रुपया में आ गया आपका 10,800 रुपीज़ एज अ सैलरी। मजीद फादर गॉट 10,800 रुपीज़ एज अ सैलरी। अब हम अरुण के फादर का देखेंगे। अरुण के फादर की सैलरी क्या है? ₹2,000 श्रीलंकन रुपीज़। ओके, तो 1 रुपी SL का क्या वैल्यू है? 0.37 है। तो 2000 रुपी SL का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2000 से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ₹0.37। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 2, 7 जा 14, 1, 2, 3 जा 6 और 7, 74 आया। और ये 30 इसमें ऐड करेंगे। अगर आप डेसिमल को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, 37 से हम जब इसे 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 74,000 आएगा। उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम पुट करेंगे, तो ये आ गया 740 रुपीज़। तो मस्जिद के फादर की सैलरी है 10,800 और अरुण के फादर की सैलरी है 740। तो अब बताइए कि किसकी सैलरी ज़्यादा है, हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी? तो मजीद फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी। ये ज़्यादा है, इस तरह से इसका आंसर कर लिया हम लोगों ने। पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर डी। लीनाज आंट ब्राउट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 yuan, फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। लीनाज की आंट ने एक प्रेजेंट लाया चाइना से और जिसका कॉस्ट था 30 yuan। कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट वॉज 30 yuan। युआन जो है वो चाइना का मनी है। फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ में इसका क्या वैल्यू होगा? तो पहले हम 1 yuan का क्या वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में, चार्ट देखकर हम लिखेंगे। चार्ट में देखते हैं, चाइना युआन 5 रुपीज़ 50 पैसे, ₹5.50। ओके, तो 1 yuan इज इक्वल टू ₹5.50 एंड कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट कितना है? 30 yuan। तो 30 yuan का मतलब क्या हुआ? 30 yuan वैल्यू इन इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज़ में अगर 30 yuan का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 yuan का जो कॉस्ट है उससे। 1 yuan में इतना है, तो 30 yuan में कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 5.50, इसमें पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 550 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आया। और उसका 30 है तो 1 0 पुट कर देंगे, इतना आ जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो इतना आएगा 16500। ओके, और डेसिमल पुट करेंगे 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल, तो ये आपका आ गया 165 रुपीज़। ये आंसर है। तो व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़, इट्स कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़ इज 165। आस्था वांट्स सम हांगकांग डॉलर्स एंड ओन। आस्था को कुछ हांगकांग का डॉलर्स चाहिए और ओन चाहिए, ठीक है, यानी उसके पास इंडियन रुपीज़ है, उसके बदले में उसे हांगकांग डॉलर्स चाहिए और ओन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ओन कैन सी चेंज फॉर ₹4 एंड फॉर ₹400 के बदले में उसे ओन चाहिए, तो उसे कितना ओन लेना पड़ेगा ₹4 के लिए और ₹400 के लिए? तो पहले तो हम इसका वैल्यू देखेंगे कि एक ओन का कितना वैल्यू है। ओन कहाँ का है? मनी कोरिया का, एंड 1 ओन इज इक्वल टू 0.04। ओके,
1 ओन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू इंडियन रुपीज़ में है 0.04, इसका वैल्यू क्या हुआ 4 पैसा, 4/100 हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 ओन इज इक्वल टू 4/100 लिख सकते हैं, 0.04 को हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 डिजिट है तो 20, यानी 4/100 हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमको 4 रुपीज़ चाहिए तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हट जाएगा, यानी 100 × 1 ओन इज इक्वल टू 100 × ₹4/100। ओके, तो ये तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओन को, तो ये 100 ओन हो जाएगा और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 4 रुपीज़, यानी 4 रुपीज़ के लिए उसे 100 ओन लेना होगा। अगर वो चेंज कर रही है रुपया को ओन में तो उसे लेना होगा 100 ओन का वैल्यू, 4 रुपीज़ के इक्वल हो गया। अब अगर हमको 400 यानी 4 रुपीज़ का वैल्यू हो गया 100 ओन, तो 400 का क्या होगा, अगर 400 हमको रुपीज़ लेना है तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, अगर 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी अगर हम 100 ओन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 रुपीज़ और ये कितना हो जाएगा 10,000 ओन, यानी 4 रुपीज़ के लिए उसे 100 ओन लेना होगा और 400 के लिए उसे 10,000 ओन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किरण वेंट शॉपिंग विथ 200 रुपीज़, लुक एट द बिल, द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइसेस, पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। किरण शॉपिंग के लिए गई है और वहाँ पर उसने कुछ सामान खरीदा है और शॉपकीपर ने एक बिल दिया है, यह है बिल, इस बिल को देखिए, और यहाँ पर शॉपकीपर ने प्राइसेस जो है उसमें पॉइंट डालना भूल गया है, ठीक है, तो आपको पॉइंट करेक्ट प्लेस पर डालना है, पुट करना, यू हैव टू पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, और पॉइंट प्लेस करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि टोटल कितना बिल आया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कॉपी पर लिखी हूँ, यहाँ पर सोप है 1,250, तो एक सोप का यहाँ पर जब भी बिल बनता है तो आइटम्स होते हैं, क्वांटिटी होती है और प्राइस होते हैं, तो आइटम है सोप, क्वांटिटी है 1, यानी 1 सोप का कॉस्ट है, प्राइस है 1,250, जो कि रॉन्ग है, क्या होना चाहिए 12 रुपीज़ होना चाहिए और ये प्राइस है रुपीज़ में, तो यहाँ 12.50 यहाँ पॉइंट प्लेस करेंगे। ग्रीन ग्राम जो हरा चना होता है वो 1 kg का वैल्यू है 5,025 रुपीज़, प्राइस रॉन्ग है, कितना होना चाहिए 50 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पुट करेंगे पॉइंट, टी 250 ग्राम का प्राइस है रुपीज़ में 2,725, ये भी रॉन्ग है, 27 रुपीज़ होना चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे पॉइंट। कोकोनट ऑयल 1 लीटर 6,000, 1 लीटर कोकोनट ऑयल का वैल्यू 6,000 नहीं हो सकता है, होगा तो 60 रुपीज़ होगा, तो 60 के बाद में डेसिमल देंगे 2 डिजिट के बाद। अब ऐड करेंगे सबको, टोटल कितना आया 5, 5, 10, 0, 1 कैरी किया, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, फिर 1 कैरी किया पॉइंट, 2, 7, 9 और 1, 10, फिर 1 कैरी किया, 1, 1, 2, 5, 7, 2, 9 और 6, 15, यानी 150 रुपीज़, टोटल अमाउंट हो गए 150 रुपीज़। तो इस तरह से ये हो गया, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पर हमने करेक्ट प्लेस पर डेसिमल पुट कर दिया पॉइंट और टोटल ऐड करके अमाउंट भी निकाल लिया जो 150 रुपीज़ आया। विच सिटी इज कूल, कौन सा शहर कूल है, जैसे यह बोल रहा है कि आई लिव इन हिमाचल, देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजेज इन टू आइस, यह हिमाचल में रहता है, वहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, इसको डिग्री पढ़ते हैं और इस सेल्सियस में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि वाटर जो है पाइप में फ्रीज कर जाता है और आइस बन जाता है, जम जाता है लो टेम्परेचर पर, हम जानते हैं कि कम टेम्परेचर पर पानी जो है चेंज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होता है वाटर, बट इन राजस्थान हेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेज 48 डिग्री सेल्सियस, हेयर इट इज़ वेरी हॉट, वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर, यह राजस्थान में रहती है और राजस्थान का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही गर्म होता है और इसे
किलोमीटर में बहुत दूर वॉक करके पानी लाना होता है, राजस्थान में पानी की कमी होती है। यहाँ पर इंडिया का चार्ट दिया हुआ है। द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 जनवरी 2008। 2008 का ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, वो 3 PM शाम के 3 बजे का यह टेम्परेचर रिकॉर्डेड है। इस डाटा को देखना है और इस आंसर करना है। विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट एट दैट टाइम। अब यहाँ पर देखिए, जब हम नॉर्थ में जाएंगे तो श्रीनगर है, और साउथ में जाएंगे चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, तो ऊपर में टेम्परेचर कम होगा। तो सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर कहाँ है, तो हाइएस्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 23 है, 35, 25, 26, 24, 29, 33। तो हाइएस्ट टेम्परेचर हो गया कहाँ का, मुंबई, तिरुवनंतपुरम का 33 है और मुंबई का 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, या सेल्सियस कहिए। तो किस जगह का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, मुंबई का। एंड विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट एट दैट टाइम, और इसी समय 3 PM में टेम्परेचर लिया गया है, तो सेम उसी समय में श्रीनगर का टेम्परेचर सबसे कम है, 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर मैं करूँगी। विच प्लेस एट द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, तो कौन सा प्लेस है होगा आंसर इसका, द हाइएस्ट मुंबई हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, कितना है, 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम, कूलेस्ट है श्रीनगर, श्रीनगर इसका आंसर होगा, श्रीनगर इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम, उस समय श्रीनगर कूलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच हाइयर द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट श्रीनगर। जो मुंबई का टेम्परेचर है वो कितना हाइयर है श्रीनगर से, तो टेम्परेचर ऑफ मुंबई थर्टी फाइव पॉइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड। चार्ट से देखना हाइयर है तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा अंतर, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड इतना हाइयर टेम्परेचर है मुंबई का श्रीनगर से। मुंबई टेम्परेचर इज 27 डिग्री हाइयर देन श्रीनगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन तिरुवनंतपुरम। कितना डिग्री चाहिए टेम्परेचर 40 डिग्री होने के लिए तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर को, तो पहले हम देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर है कितना। तिरुवनंतपुरम का है 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमें राइज करना है 40 डिग्री। हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन तिरुवनंतपुरम। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए कितना टेम्परेचर और चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हम 40 डिग्री हमें पहुंचना है, तो मैक्सिमम में से जो टेम्परेचर है वो माइनस कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना डिग्री हमें और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ तिरुवनंतपुरम थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें कितना पहुंचना है 40 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 40 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6, यानी 6.5 डिग्री हमें और राइज करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा 40 डिग्री रीच करने के लिए। तो हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज, देन आंसर विल बी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीड टू राइज टू रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। तो कोलकाता का टेम्परेचर कितना है, कोलकाता है 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड और चेन्नई का है 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना लोअर है, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। तो हम
चेन्नई के टेम्परेचर में से कोलकाता का टेम्परेचर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम टेम्परेचर लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ कोलकाता, टेम्परेचर ऑफ चेन्नई कितना है 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर ऑफ कोलकाता 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोलकाता का टेम्परेचर तो लोअर है ही, कम है, लेस है चेन्नई से, तो कितना लेस है, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस मीन्स हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर, 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना कम है चेन्नई से, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर इन दीज सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड एट 3 AM ऑन द सेम डे, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये टेबल है, इसमें नेम ऑफ सिटीज हैं और टेम्परेचर एट 3 AM, सुबह के 3 बजे टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है डिफरेंट सिटीज़ का, और आपको ये टेबल देखना है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM, कहाँ का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, तो यहाँ श्रीनगर। इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मीन्स इट वुड बी वेरी कोल्ड एंड वाटर विल बी फ्रोजन टू आइस, वी विल हैव टू वियर वुलन क्लॉथ्स एंड सिट नियर द फायर टू कीप आवर सेल्फ वार्म, ओके। बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई एंड इन भोपाल, चेन्नई और भोपाल का टेम्परेचर हमें 3 AM और 3 PM, 3 PM का ये टेम्परेचर है और 3 AM का ये टेम्परेचर है, दोनों को कंपेयर करके देखना है कि क्या डिफरेंस है, ओके। तो पहले हम चेन्नई का लेते हैं, चेन्नई का टेम्परेचर एट 3 PM, टेम्परेचर एट 3 PM, 3 PM में टेम्परेचर है चेन्नई का 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर एट 3 AM, 3 AM में कितना है चेन्नई 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिफरेंस क्या हो गया, अब इसका डिफरेंस हो गया, माइनस कर देंगे 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये चेन्नई का हमने निकाल लिया, इसी तरह हम भोपाल का निकालेंगे, इसी तरह भोपाल का निकालेंगे, टेम्परेचर एट 3 PM, भोपाल का टेम्परेचर है 3 PM में 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट 3 AM भोपाल का है 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया डिफरेंस, ओके। इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा।